तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है लिटरली शिट होली शिट। तो उससे बचने के लिए टिश्यू छेड़ दूं। सॉरी ऐसा वेलकम करने के लिए, बट वेलकम सबका एक और नए वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। असल में भाई अभी फूड खाया मैंने, अभी ब्रेकफास्ट। ओए होए क्या खाना था भाई ब्रेकफास्ट में। ना ब्रेकफास्ट तो मैं हैवी करने लग गया हूँ। ये देखो मैंने 2 रोटी 8 अंडे प्लस भिंडी की सब्जी और थोड़ा रायता, पालक बथुआ जो भी था, पता नहीं मेरे को किस चीज़ का था, बट ठीक है ग्रीन से कुल मिला के, सो यू कैन हैव इट। यार मैं अब आप लोग को एक चीज़, एक हैक बताऊँ, हैक नहीं मतलब एक टिप दे रहा हूँ। एक सेकंड यार, छत पे कई दिनों में आ गया, गेट बंद कर देता हूँ। हाँ ये बता रहा हूँ कि जैसे रोटी है, रोटी को ना मैं मेजर नहीं कर सकता, मेरे को पता नहीं कितनी कैलरीज है, बट मैं एक अमाउंट लेके चलता हूँ 120 से 150 ग्राम, 150 कैलरी। उससे क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा लेके चला रहो, जिस भी फूड को आप ट्रैक ना कर पाओ ना, वे नहीं कर पाओ। जैसे चावल है उनको तो मैं वे करके पता चल जाता है, रोटी का नहीं पता चलता। ऐसे ही जो सब्जी बनी है उसको भी नहीं कर पाया, दही तो हो जाती है, दही इतने ग्राम है ठीक है, और ग्रीन्स व्रीन्स को तो मैं ज़्यादा मेजर ही नहीं करता, बिकॉज ग्रीन्स में तो कैलरीज वैसे होती ही कम है, और जितना ही खा लो अच्छा ही है, कुछ गंदा आ ही नहीं रहा मतलब। प्लस अब सब्जी का कह रहा था, मतलब ये सब ना एक अप्रोक्स नंबर लेके चला रहो, जिस भी चीज़ को आप ट्रैक ना करो। जैसे मैं अपनी घर की रोटी को 130, 120, 150 कैलरी लेके चलता हूँ, और मैं ज़्यादा ही लेता हूँ। ज़्यादा क्यों मतलब यार कम में कम लोगे तो आप और ज़्यादा कैलरी खाओगे। मैं ज़्यादा इसलिए लेके चलता हूँ कि अगर कम भी होगी तो ज़्यादा ही सही, मतलब समझ रहे हो कि ज़्यादा ही इनटेक आई है, आई वो इनफैक्ट चाहे कम होगी तो मैं हमेशा ज़्यादा ही अप्रॉक्स नंबर लेके चलता हूँ। और मैंने ये काफ़ी महीनों से कर रखा है, तो आप भी, और बाकी ट्रैक हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आलसी मैं भी हूँ। एनी वे भाई सुबह की ट्रेनिंग के बाद जो भूख लगती है ना, मैसिव भूख, क्योंकि सुबह होता है फास्टेड वर्कआउट। एक आधे दिन मैं केला खा जाता हूँ, और कॉफ़ी तो है, कॉफ़ी तो 40-50 कैलरी की होती है, तो उसको मैं फास्टेड ही मानता हूँ। प्लस जब स्ट्राइकिंग वाला दिन होता है ना, जैसे कल था मेरा, उसमें मैं सुबह केला चाहिए भाई, बिकॉज स्ट्राइकिंग व्राइकिंग के मूव थोड़े प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें केला चाहिए, फास्टेड वर्कआउट उसमें हो ही नहीं रहा है। लाले पूरे गांव के मजे हो रहे हैं यार। अब तो खैर धूप चुभने वाली आने लगी है, बट ठीक है भाई, ये लोग कपड़े के बिना बैठे, प्लस ठंडी हवा भी चल रही है, वो पागल यार। ऑल्सो मैंने ना एक ऐड करा है एक एक्टिविटी, कि मतलब आफ्टर एवरी मील मैं थोड़े स्टेप्स लिया करूँगा, 10-15-20 मिनट की वॉक, क्योंकि ना एक हॉर्मोन है कोई, मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, आफ्टर हैविंग कार्ब्स या मील ना वो जनरेट होता है, और उससे सारी नींद आती है, तो वो ना आए और लथार्जिक ना बनूँ मैं, क्योंकि मेरा तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो उससे बचने के लिए पार्क वार्क में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, स्टेप्स ले लो। और वैसे भी ठीक है यार, खाते ही ना थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा फूड, वो भी सही रहेगा, सो टेक्निकली इट्स बेटर फॉर यू, सिंपल एज दैट। बाने अब ये तुम साइंस के अकॉर्डिंग चल लो या वैसे भी चल लो, ओ गंदे टिश्यू शू छेड़ दूँ। अरे पागल भूखा है मरे जा। तब तक सीढ़ा है जीव लपर लपर चाला भाई। ऑफिस वर्क डन, प्री वर्कआउट डन, पॉटी डन, अब जो डन होगा वो होगा वर्कआउट, वो भी किसका, चेस्टिकल्स। आ जाओ। I'm feeling blind but I can't rewind, I was a victim from the start, you're stuck in my brain, can't get you off my mind, and I don't got no
वर्कआउट डन, चेस्टिकल्स पम्प्ड भाई। अब देखो जो वीडियो का मेन मोटो था ना, आज तीसरा दिन है, वेट दिखा देता हूँ पहले आप लोग को। देख लो इधर आ रहा है स्क्रीन पर। अब देखो ये 3 दिन में 2 से 4 किलो का मेजर ड्रॉप डाउन पता है क्यों आता है? दो फैक्टर है, एक तो वाटर वेट, सेकेंड सोडियम। खैर वैसे वाटर ही होगा, वो सारा वाटर वेट में आया, क्योंकि सोडियम भी वाटर होल्ड करता, कार्ब भी वाटर होल्ड करते, सिंपल इज दैट। मैं पिछले कितने दिनों से गंद खा रहा था, गंद कू लिटरली शिट होली शिट खा रहा था, उसकी वजह से कार्ब ज्यादा जा रहे थे। कार्ब में होता है वाटर, वो होल्ड कर रही थी बॉडी, सेम सोडियम भी, सोडियम के इनटेक कुत्ता लेवल की बड़ी हो रखी होगी, क्योंकि घर का तो सॉल्ट खा ही नहीं रहा था, बार बार का खा रहा था, उसमें तो बहुत सॉल्ट एडेड होता है। सो उन फैक्टर्स की वजह से वाटर रिटेंशन होता है, सॉल्ट में भी, सोडियम सॉल्ट एक ही है, कार्ब्स में भी, सब में वाटर होता है, उसकी वजह से बॉडी हमारा वाटर होल्ड करती है। इसीलिए पहले दिन या पहले 2 दिन में आपको इतना मैसिव रिजल्ट दिखता है वेट ड्रॉप डाउन जो करते हैं, जो वेट लॉस फैट लॉस करते हैं उनके लिए। तो ज्यादा खुश मत हो करो, ठीक है, मोटिवेशन देता है कि 2 दिन में 3 किलो 4 किलो 5 किलो टूट जाता है, बट वो सारा वाटर रिटेंशन होता है, कुछ फैट कुछ नहीं कम होता 2 दिन में, टाइम लगता है, एवरीथिंग इज अ एप्रोप्रिएट पेस, एप्रोप्रिएट टाइम होता है हर चीज का। तो यस ये वाटर होल्ड होता है, बट ठीक है वेट टूटना चाहिए, 2 दिन वो हो रहा है तो मोटिवेशन और बनेगी, अच्छी बात भी है। बट यस ज्यादा खुश मत हुआ करो कि 2 दिन में आपका इतना लॉस हो जाता है, तो ये सारा वाटर रिटेंशन था जो बॉडी में था, जो कि अब कम हो चुका है। स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन वाटर रिटेंशन सारा जाता, उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद आप देखोगे, अब जैसे मैं आप अपना वेट बाद में दिखाऊंगा ना, और फर्दर वीडियोज में आपको दिखाता रहूंगा, कम होगा, इतना नहीं होगा। तो यस यही था आपको लोगों को बताने का इस वीडियो का पर्पस, और अब से भाई वर्कआउट रेजिम प्रॉपर आप लोग के साथ शोकेस होगा। मैंने लास्ट में 2 एक्सरसाइज और करी थी नेक की, अब मैं क्या करके दिखाऊँ, अगली बार पक्का करके दिखाऊंगा, सॉरी मैं नहीं दिखा पाया, नहीं रिकॉर्ड नहीं करी, खैर मैंने ध्यान नहीं आया। बट एनीवे चलो, मेरा वीडियो का यही पर्पस था कि जो ये एकदम ड्रास्टिक वेट ड्रॉप होता है उसका क्या फैक्टर होता है, विच इज वाटर रिटेंशन। चलो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ किसी के साथ शेयर करना, एक लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन तो आप लोगों ने दबा रखा, बट आई नो जिसने नहीं दबा रखा अभी दबा दो भाई, दबा दो, दबा दो, दबा दो। बाय बाय।